नमस्ते, मैं गुरदीप कौर आप सबका स्वागत करती हूँ गुरदीप तड़का चैनल पर। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि मैंने एक जाली में मूंग दाल रखी है और एक कटोरी में मैंने नमक रखा है। तो आप जज करके बताएं कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। देखिए, ये मैंने एक कटोरी दाल मूंग दाल ली थी और रात में मैंने पानी में इसको भिगो दिया था और सुबह से मैंने इसको निकाल कर एक कपड़े में फैलाकर सुखाया है और ऐसी सूख कर ये ऐसी हो चुकी है। और आज मैं आपको मूंग दाल बनाना बताऊंगी, घर में ही आप कैसे तैयार कर सकते हैं। इसको तेल वगैरह में तलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ओवन में बनाकर बताऊंगी। जो आप बाज़ार से लाकर मूंग दाल खाते हैं उससे भी अच्छी बनेगी ये। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं मूंग दाल। इसके लिए हमें एक ऐसी प्लेट चाहिए जिसमें मैं इस मूंग दाल को ऐसे फैला दूंगी। आधी मैं इसके दो भाग में इसको बनाऊंगी। आधी दाल मैं ऐसे फैलाकर ऐसे, देखिए दाल को मैंने ऐसे फैला लिया है और इसमें टेस्ट अनुसार नमक डाल लेते हैं। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसमें थोड़ा देसी घी डाल रही हूँ। बिल्कुल आपने नामात्र ही इसमें घी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। एकदम इसको मिक्स कर देना है दाल के आसपास, सभी जगह में देसी घी हमारा लग जाना चाहिए। ऐसे तो ये दाल वगैरह घर में बनाते हैं तो तेल रिफाइंड में तल कर बनानी पड़ती है, लेकिन मैं आपको आज बिना ज़्यादा तेल घी के बिना ही ओवन में बनाकर बताऊंगी। और यकीन जानिए कि ये दाल हमारी उससे भी अच्छी बनेगी जो बाज़ार से भी लाकर हम लोग खाते हैं बाज़ार से। दाल को ओवन में रखकर 2 मिनट के लिए ओवन को सेट कर इसको चालू कर देते हैं। 2 मिनट में हमारी दाल बन जाएगी। ये जो दाल का आधा हिस्सा मैंने रखा था वो मैंने बिना तेल के ही बनाऊंगी। इसमें हल्का सा नमक डाल दूंगी और वो इधर दाल हमारी ये बन चुकी है। इसको मैंने 4 मिनट तक रखा तब जाके बनी है। थोड़ी दाल में नमी ज़्यादा होगी, अगर आपकी दाल अच्छे से सूख जाए तो 2 मिनट में ही बन जाएगी। इसको भी मैं 4 मिनट के लिए ही लगाऊंगी। देखिए दोस्तों, मैंने ये दाल बना ली है। इसको मैंने 4 मिनट के लिए ओवन में रखा था और 2 मिनट के लिए मैंने इसको ग्रिल कर दिया था। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी दाल बनी है और खाने में भी बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट है इसका। आप इसे बनाइए, अपने घर में बनाएंगे तभी पता चलेगा कि कैसी बनी है। बनाइए, लाइक करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारी ये रेसिपीज आपको कैसी लगती है। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो मेरे से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं उसके आंसर दूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। थैंक यू।